वेलकम टू आवर शो मुस्कान। मैं हूँ सतनाम कौर और मैं हूँ राज सिंह वर्मा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो न्यू ईरा से जुड़ा हुआ है, हमारी मॉडर्न वुमेन से जुड़ा हुआ है, मॉडर्न माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि क्या शिफ्ट हो गया है उस समय जो था और आज क्या शिफ्ट हो गया कि कुछ अच्छी बातें हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज इतने क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे बाईं ओर है बीके राजीव गुप्ता जी, जो कि लाइफ कोच हैं। वेलकम सर। ओम शांति। वी आल्सो हैव भावना त्रिवेदी जी, जो एक होलिस्टिक एजुकेटर हैं। वेलकम। ओम शांति। एंड देन वी हैव नीति सिंह जी, शी इज बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनर और इनकी बहुत अच्छी कहानी है। नमस्कार। ओम शांति। एंड वी हैव अर्चना जी, हु इज एन एंकर एंड आल्सो सोशलिस्ट। तो चलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं। तेजी से बदल रहे समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। पुरानी जीवन शैली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर आधुनिकीकरण इत्यादि, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बदलना बहुत आवश्यक है और वो है हमारा माइंडसेट, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्योंकि जब भी एक नारी अपने लाइफ में परिवर्तन लाना चाहती है तो समाज की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से अनेक तरह के सवाल, अनेक तरह के डाउट्स उत्पन्न होते हैं, जो कि बैरियर बनते हैं वुमेन को अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। पुरानी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को तोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है और एक स्टेप आगे निकल परिवर्तन को लीड करना भी वुमेन के लिए आवश्यक है। इसके लिए अपने अंदर धैर्यता, विश्वास और समझदारी, तीनों ही गुणों की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर एक वुमेन अपने जीवन में एक्सटर्नल चेंजेस लाना चाहती है तो इसकी शुरुआत आंतरिक परिवर्तन से होती है। इसमें मेडिटेशन एक बहुत अहम हिस्सा होता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे अंदर ऐसी शक्ति लेकर आता है जो गाइडिंग लाइट बनता है बाह्य परिवर्तन के लिए। इसीलिए इस रास्ते में आ रहे चैलेंजेस से बिना डरे एक नारी को इंटरनल पॉजिटिव चेंजेस की ओर आगे बढ़ते हुए सामाजिक परिवर्तन के लिए लाइट हाउस बनना होगा। तो अर्चना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप एंकर हैं और आप इसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं और आप बहुत सारे लोगों को मिलती भी होंगी, तो आप ही से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली आप के जहन में आपको क्या लगता है कि न्यू वुमेन एरा को आप कैसे देखते हैं जी, लेकिन जी। उससे पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी देखते हैं। अर्चना सिंह जी एक एंकर, जर्नलिस्ट और एडिटर हैं। आपने दिल्ली दूरदर्शन प्रसार भारती में कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में एंकरिंग की है। आपने कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज भी लिए हैं, जिनमें IAS, ADM, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स भी शामिल हैं। आप युगधारा मैगजीन की संपादिका है। ये मैगजीन समाज में वर्किंग विमेन की कहानियों को प्रकाशित करती हैं। आपको 2022 में ICEME के द्वारा नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड से गोरखपुर में सम्मानित किया गया। आज हमने आधुनिक जो महिलाएं हैं, जो न्यू जनरेशन वुमेन है, तो हमने क्या कल्पना बनाई है उनके लिए, क्योंकि वो लैपटॉप लेके ऑफिस जाती है, एक लेडीज़ है, वो न्यू जनरेशन वुमेन है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं वाइट कॉलर जॉब नहीं कर रही हैं, वो कुछ एक छोटे से छोटे छोटे काम भी करती है, वो चाहे वो एक महिला किसान हो सकती है या किसी गाँव में कोई शिक्षिका हो सकती है। तो हर वो महिला जिसने अपने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ा है, वो उस दायरे से बाहर निकली है, तो
हर वो महिला न्यू जनरेशन वुमेन है, आप उसे रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी सिंधुताई सकपल का। ये जो एक लेडी थी, ये महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी। बहुत सारी विषम परिस्थितियों को इन्होंने जिंदगी में देखा। आपने डिप्रेशन की बात करी, तो ये सिंधुताई जो थी, इन्होंने अपने बच्चे का जन्म जो दिया था वो एक गौशाला में उन्होंने बच्चे का जन्म दिया। उसके बाद इतनी पति ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, तो उन्होंने तो डिप्रेशन का वो शिकार नहीं हुई, उन्होंने इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिया और बहुत सारे ऑर्फनेज उन्होंने खोले पूरे भारत में। और उस ऑर्फनेज से बच्चे निकल के आज डॉक्टर, कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, एक अच्छे अच्छे पदों पर वो बच्चे कार्यरत हैं। तो मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन जो वुमेन है वो इतनी सक्षम है कि वो अपने डिसीजन ले सकती है खुद से, चाहे वो एक डॉक्टर है या वो एक किसान है या वो एक छोटे से घर में कोई गृहिणी ही क्यों ना हो। जी, पहले तो मुझे लगता है डिप्रेशन और स्ट्रेस वर्ड बहुत कम यूज होता था, होता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था शायद। अचानक ये कहां से आ गया समझ में आ रहा है। इनफैक्ट एक छोटी सी किस्सा याद आ गया, छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक साइकाइट्रिस्ट डिस्कस कर रहे थे, एक महिला उनके पास आई, आज की महिला, मॉडर्न महिला आई, बहुत परेशान थी अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो कह रही थी मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने पति पर, मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि चिट्ठी के अंदर सब कुछ लिख दो और फिर उसे जला दो। तो मैंने बोला वो तो जला दूंगी लेकिन चिट्ठी का क्या करूंगी मैं। तो ये है चेंजिंग माइंडसेट। जी, बियॉन्ड जोक्स जी, ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। हम पूछना चाहेंगे भावना जी आपसे, आपने तीनों जनरेशन देखी है, आपकी मदर की जनरेशन, आपकी जनरेशन, आपने तीन बच्चियां पाली है खूबसूरत तरीके से, होम स्कूलिंग दी है, तो आपके नजर में कहां वो शिफ्ट आ गया और कौन सा शिफ्ट अच्छा है और कहां गड़बड़ हो गई? आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं आपकी आज तक की जर्नी। भावना त्रिवेदी विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं और आप डेथवर्सिटी और नफसा के फाउंडर हैं, जो लोगों को डेथ और फॉरगिवनेस जैसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस क्रिएट करता है और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आप एक सिंगल मदर हैं और पिछले 10 वर्षों से आप अपना नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं। आपको ऑन्कोलॉजी में 7 साल का एक्सपीरियंस है और 5 साल कॉलेज में लेक्चरर भी रह चुके हैं। आपने अल्टरनेटिव एजुकेशन, सस्टेनेबल लिविंग और कम्युनिटी लिविंग में भी काम किया है। मेरी जो दादी है वो बहुत छोटे छोटे से काम, गांव में बहुत कम काम होता था, इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं थे जो आज है। आपके पास बहुत सारा काम है, गांव में सिर्फ खेती का काम है, पानी भरना है, गाय बैल भैंस देखने हैं, और वही काम आदमी और औरत दोनों को करना होता था। यहाँ पर जब हम अभी इस जनरेशन को देख रहे हैं, मेरे जनरेशन तक वो थोड़ा बहुत चला है, थोड़ा हम स्टडीज के लिए बाहर जाते, पर अभी की जो न्यू जनरेशन है इसमें ये वाली बात आती है कि उनको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वो कंपटीशन में है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप में कंडीशंस को लेकर के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, पहले डिमांड नहीं था, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि वो इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है और उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है। वी आर इनटू मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मेरा हस्बैंड ये है तो मेरे को यहाँ होना है, भाई बहन के बीच में, तो यहाँ डिप्रेशन वाली चीज आ रही है और फिर स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो मेरे जो अभी बच्चे हैं उनको यही मालूम है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, अभी यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, तो वो दे आर नॉट इन टू डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं है वो लोग, और उनकी लाइफ में कभी वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने माइंड को बार बार बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो जो हमने एक बार उसको सिखा दिया बचपन से तो वो चलता रहेगा। और यही चीज पहले की जनरेशन में नहीं थी पर अभी वो सारी चीजें है। तो आप कंपटीशन में अगर है तो आप करेंगे ही करेंगे उस चीज को, और जब आप उस पर रीच नहीं कर पाएंगे, उसको आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, फिर आपको स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। फोबिया इतना बढ़ चुका है, मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में देख रहा हूँ कि लोग इवन शादी नहीं करते हैं, कमिट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं टॉलरेंस एक दूसरे के लिए नहीं है और एक साथ लिव इन में रहते हैं। इनफैक्ट एक है, उनके पेरेंट्स का फोन आता है, बेटा शादी कर लो, बोला हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को, 4 साल हो गए ऑलरेडी। तो बोलते बेटा हम पहले शादी करते थे फिर समझते थे,
और ये चार साल बाद समझने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे समझ पैदा हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं हम समझ गए हैं, एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये हालात हैं शहर के। तो अब इसके साथ हम आपसे पूछना चाहेंगे, राजीव जी आप एक्सपर्टीज रखते हैं माइंडसेट पे, बिलीव्स पे, ये बिलीव्स चेंज हो गया हमारा जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर हमारा जो एक्सपोजर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया जिसकी वजह से टॉलरेंस, पेशेंस सब खत्म हो चुका है एंड हमें सिर्फ करियर एम्बिशन दिखता है, रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करें वो क्वालिटीज हमारी लुप्त होते जा रही है। प्लस माइंडसेट की भी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो एक हमने पिक्चर क्रिएट की हुई है कि एक मॉडर्न वुमेन जो है वो ऐसी ही है, वो घर नहीं संभालेगी, वो अपने करियर को ही देखेगी, तो वो भी एक माइंडसेट, क्या वो सही माइंडसेट है? से पहले आपकी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी देखते हैं। बीके राजीव एक सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक शोधकर्ता, गीता विद्वान और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्पार्क विंग स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर के अंतर्गत एक सक्रिय शोधकर्ता के रूप में इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास, भगवद गीता और टाइम साइकिल के विषय पर अनेक सम्मेलनों के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीके राजीव समय समय पर पूरे भारत में राजयोग मेडिटेशन पर रिट्रीट आयोजित करते रहते हैं। इन्हें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में भगवद गीता पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है। रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे भारतीय ग्रंथों पर इन्होंने अनेक वर्षों तक गहन अध्ययन किया है। युवा वर्ग को व्यक्तिगत परामर्श के माध्यम से सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देने में इन्हें विशेष रुचि है। वर्तमान समय बीके राजीव अपना पूरा समय समाज के हर वर्ग में आध्यात्मिक चेतना जगाने में व्यतीत करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि बात चल रही है माइंडसेट की, तो जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो माइंडसेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ बिलीव्स और एटीट्यूड्स होता है। इसी माइंडसेट को हम हिंदी में मानसिकता भी कहते हैं। तो यूजुअली मानसिकता लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, जैसे जो फिक्स माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं वो उसको आप अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस अगर देंगे ना तो उसको रिजर्व रहना पसंद आएगा, वो फेस नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी गिवअप कर देगा और एंजाइटी डिप्रेशन में भी जा सकता है। उसी के ऑपोजिट अगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है, उसके साथ अगर ये सब सारी सिचुएशन होती है, परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल नहीं भी हैं, अनुकूल नहीं भी हैं, उसको भी वो ऐसे चैलेंज लेता है और ग्रोथ के पैरामीटर में ले जाता है, ग्रोथ के फॉर्म में ले जाता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो ये जो माइंडसेट की जो हम बात कर रहे हैं, मानसिकता, कहीं ना कहीं हमारी बिलीफ के साथ डील कर रही है। और मुझे लग रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं और बिलीव के कुछ कॉमन रूल्स हैं जो हम समझ नहीं पा रहे, अगर शायद वो समझें तो हम इस जो मानसिकता की बात चल रही है उसको भी बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे बिलीफ वो चीज़ होती है, परसेप्शन होता है या कन्विक्शन होता है जिसको हम बहुत स्ट्रांगली कन्विंस रहते हैं कि यस दिस इज़ ट्रू। और बिलीव के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि बिलीफ वास्तव में कोई ट्रू या फॉल्स नहीं होती, लेकिन बिलीफ कितनी हेल्पफुल है या अनहेल्पफुल है, कितनी रैशनल या इरैशनल है, ऐसे मनोविज्ञान में उसको काउंट किया जाता है अगर देखा जाए तो। तो जो बिलीफ हमको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, अगर उसको मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, तो जो मुझे सही लग रहा है ना वो गलत बिलीफ के फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूँगा दर्शकों को, मान लीजिए कि हमें हर जगह टाइम पर पहुँचना है, पंचुअलिटी एक बहुत अच्छा गुण है, सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन एक बिलीफ को मैंने बहुत जोर से पकड़ के रखा है, रिजिडिटी से पकड़ के रखा है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कल अगर किसी प्रोग्राम में मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 या 10 मिनट लेट आया या वह स्वयं लेट आ गया, तो अपने आप को इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक देगा कि वो नेगेटिव सेल्फ टॉक, जैसे हम सेल्फ टॉक करते हैं, जैसे हमारी थिंकिंग होती है, वैसे हमें फील भी होता है, वो सेल्फ टॉक ही उसे डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाएगा। तो सारा गेम इसके ऊपर है कि हमने बिलीफ सिस्टम को कितना जोर से पकड़ के रखा है, नंबर वन। नंबर टू, जिस बिलीफ को हमने पकड़ा है क्या वो सच में हेल्पफुल है भी कि नहीं है, तो
तो हमें, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक रोशनी, एक प्रकाश चाहिए बिलीफ को कि क्या सच में वो मेरे लिए रैशनल है कि नहीं है। जांचे कैसे? जहाँ बहुत अच्छी कह रहे हैं कि जांचे कैसे, तो जांच के कुछ कॉमन पैरामीटर्स होते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जिस बिलीफ को आपने, जो बिलीफ आपको है, क्या वो बिलीफ को आपने ज़ोर से पकड़ा है कि नहीं, वेदर यू आर रिजिड और नॉट। सेकेंड, आप फ्लेक्सीबल हैं कि नहीं है, क्योंकि देखिए डिटर्मिनेशन एक अलग चीज़ होती है। डिटर्मिनेशन में भी कमिटमेंट होता है, रिजिडिटी में कमिटमेंट की बात नहीं होती, उसमें हम एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं होते। सो ये सेकेंड पैरामीटर आ जाता है, क्या फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। सेकेंड, क्या मेरे लक्ष्य को हासिल करने में हेल्पफुल है कि नहीं है, ये भी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये इन पैरामीटर से हम जान सकते हैं कि मेरी जो बिलीफ है वो सच में मेरे लिए उपयोगी है कि मेरे लिए हार्मफुल है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन राजीव जी, प्रॉब्लम तो यही हो रही है कि हम समय नहीं दे पाते हैं अपने आप को जांचने के लिए। समय चाहिए, अपने साथ समय देना पड़ता है। उनके पास आज की, हम देखते हैं कि रील्स चल रहे हैं, 10 सेकंड का टाइम नहीं है, अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो चुका है कि फटफट आप मुझे 10 सेकंड के अंदर एंटरटेन करो, नहीं तो चेंज। अब वो अपने लिए इसमें से थोड़ा समय निकालने को तैयार नहीं है। तो इसका ये मैं बताता हूँ कि अगर हम समय अभी नहीं निकालते हैं ना, तो बाद में जब एंजाइटी और डिप्रेशन एक्सट्रीम होता है तो भरपूर समय मिल जाता है, तब पूरा समय ही देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस एक अलग तरीके से चलता है। कोई भी जब सिचुएशन आता है तो उसको हम एज्यूम करते हैं, अनुमान लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने बिलीफ के बेसिस पे उसको जज करते हैं। और बड़ी विचित्र सी बात यह है कि जब भी हम किसी बिलीफ के बेसिस पे किसी चीज़ को जज करते हैं ना, वो उतना ही नेगेटिव इमोशन जनरेट करता है। तो अगर मैंने कोई एक बिलीफ होल्ड करके रखा है और उसके बेसिस पे मैं सबको जज करते फिर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो एक्सट्रीम एंजाइटी और चिंता वाले इमोशन को जनरेट करेगा। तो अभी तो मैं समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँगा, जब मैं काउंसलर के पास जाऊँगा, तब मेरे पास भरपूर समय होगा। तो हमें, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सावधानी का पॉइंट है, एक बहुत बड़ी सतर्कता का विषय है कि कम से कम हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे बिलीफ हैं, उसको हम एनालाइज करें। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हम, आज की महिला जो है पैसे कमाने में तो व्यस्त है और उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि उसको अपनी सोशल लाइफ भी मैनेज करनी है, जॉब भी संभालना है। इस स्ट्रेस के सिचुएशन में शी इज़ कैरिंग, बिकॉज ऑफ हर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ हर माइंड सेट, अनकॉन्शियसली बैकग्राउंड में एक एंजाइटी चालू है और वो दौड़ में लगी है। तो लंबे टाइम तक जैसे ही ये एंजाइटी हमारे इम्यून सिस्टम या अदर जो सिस्टम्स हैं उस पर जैसे इम्पैक्ट करना चालू करता है, फिर शरीर भी जवाब देना चालू कर देता है। और आजकल बहुत सारी महिलाएं देखा गया, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडीली सिम्टम्स, मे बी PCODs हो या ऐसे जो भी एंजाइटी और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं या साइकोसोमेटिक इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं उससे ग्रस्त होती जा रही हैं। तो अगर अभी समय नहीं निकालेंगे तो उसका कॉस्ट हमें कहीं और तरीके से पे करना। आपके कहने का ये मतलब है कि आज जितनी भी महिलाओं को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसके पीछे सीधा सीधा हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हमें कम्पीट करना है, हमें दौड़ना है, हमें आगे निकलना है, तो एक करियर की दौड़ में हम दौड़ते जा रहे हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम के साथ हम आगे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले एक बहुत बड़ा संसार का एक सत्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो समझ गए तो अब हम इन सीओ से बहुत अच्छे से बाहर निकल पाएंगे जो आप बता रहे हैं। और उसमें ये होता है, एक बहुत बड़ा संसार का नियम है, कोई भी परिस्थिति मेरी मनोस्थिति का कारण नहीं होती है। सिचुएशन मेरे इमोशन को जनरेट नहीं करती है। अगर मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इज नॉट बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर एक स्टिमुलस का काम करता है, लेकिन जो मैं एंजाइटी या डिप्रेशन हल्का सा भी अगर फील कर रहा हूँ, उसका कारण परिस्थिति नहीं, लेकिन उसका कारण है कि उस परिस्थिति के प्रति मेरा क्या माइंडसेट है, मेरा क्या बिलीफ है। और बिलीफ मैंने जैसे पहले बताया, क्या बहुत रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है, वो एनालाइज करने की ज़रूरत है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो इस महत्वाकांक्षा के दौड़ में हमेशा हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्योंकि क्या होता है, अक्सर करके लोग ना परिस्थिति को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसके वजह से मुझे एंजाइटी डिप्रेशन हुआ, जॉब की वजह से हुआ। इट इज़ माई चॉइस, आई हैव चोजन माई लाइफ स्टाइल, सो वी कैन नॉट ब्लेम द सिचुएशन। सिचुएशन इज़ अ स्टिमुलस। तो ये समझना ज़रूरी है, अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर देंगे, पहली बात, और अपने माइंड सेट की तरफ हमारा कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को क्रिटिसाइज करना। लोग तीन चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, या तो अपने आप को, या तो सामने वाले को, या तो अपने भाग्य को। और इसी में हमारा जो है
और जैसे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, उस टाइप की हमें फीलिंग आती है. नियम है, जैसे हम सोचेंगे वैसे हमें फील होगा, और जैसे फील होगा वैसे हम बिहेव भी करेंगे. वो हमारे बॉडी पे, हमारे जेस्चर्स पे, हर चीज पे आएगा. ये महात्मा गांधी ने भी बोला है कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है. जी बिल्कुल. और यहाँ पे तो आश्चर्य की बात है कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली चल रही है सबकॉन्शियसली, क्योंकि हमारी बिलीफ या माइंडसेट उसका बहुत सारा हिस्सा सबकॉन्शियस में भी होता है. सो वी आर नॉट अवेयर कि दो मैं एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए मैं अग्रसर हूँ, पर मेरे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है. इसीलिए महिलाएं आमतौर पर हम देखते हैं काउंसलिंग के दरमियान पाती हैं कि दो उनको मॉनिटरी गेन्स हैं, सक्सेस भी मिल रहा है, बट अंदर जो कहीं ना कहीं एक इनर वैक्यूम, खालीपन, असंतुष्टता बनी हुई है, और हमेशा कहते हैं कि बस मुझे ये सब छोड़ के भागना है. दे आर ऑलवेज रनिंग. प्रॉब्लम ये है कि जो इमोशन जनरेट हो रहा है एंजाइटी या डिप्रेशन का, एक होता है कि उसे एक्नॉलेज करना कि यस आई एम फीलिंग एंशियस. दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग उस इमोशन को वो सप्रेस कर रही हैं या डाइवर्ट कर रही हैं. और डाइवर्जन का ही टेक्निक जो आपने बताया, रील्स, यूट्यूब पे वीडियोस, तो दे आर डूइंग डिस्ट्रैक्शंस और डाइवर्जन. दे आर नॉट एड्रेसिंग द एक्चुअल इमोशन दैट दे आर फीलिंग. सबसे बड़ी बात यह कि जितना ये हम प्रेशर ले रहे हैं उतना इनर वैल्यूज हमारी कम भी हो रही है साथ साथ. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम आपसे पूछना चाहेंगे नीति जी, आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, आपके पास इस तरह की महिलाएं आती होंगी जी, हाउ डू यू डील विद देम, कैसे आप इस मुद्दे को सुलझाती हैं? आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं आपकी आज तक की जर्नी. नीति सिंह, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनलिस्ट और सफल एंटरप्रेन्योर है. आपने इंदौर के प्रसिद्ध स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट कंपनीज में मोटिवेशनल लेक्चर्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हैं. वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वास्तुकला कंसल्टेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. आपको विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है. नीति जी ने 2021 इंडो रशिया फ्रेंडशिप कार रैली में इंडिया को रिप्रेजेंट किया. अभी न्यू जनरेशन वुमेन की हम बात करें कि दे आर एम्बिशियस ऑल्सो, दे हैव हिडन टैलेंट्स, दे आर आइडेंटिफाइंग देयर टैलेंट्स. उन्हें पता है उनमें क्या प्रतिभा है, वो क्या कर सकती हैं अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ किड्स, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, टेकिंग केयर ऑफ सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग. कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जो मेरे क्लाइंट्स रही हैं जिनका मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन प्रोफेशनली भी आया है और घर में बहुत बड़ी शादी भी है, फिर उसमें हम क्या चूज करें. तो नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फैमिली वाले भी और समाज भी, नहीं नहीं घर की शादी वो प्रायोरिटी है, फैमिली इज द प्रायोरिटी फॉर एनी वुमेन ऑन दिस अर्थ. मुझे मालूम है, बीइंग अ वुमेन आई नो कि मेरे लिए भी प्रायोरिटी मेरी फैमिली ही है. लेकिन ये माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है. ये कैसे हो रहा है? बिकॉज पीपल अराउंड अस, अभी जो फैमिली मेंबर्स है, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी ऑफ दैट वुमेन इन देयर हाउस हु इज टैलेंटेड, हु इज इक्वली पोटेंशियल. उनका पोटेंशियल वो पहचान रहे हैं. सभी जगह ऐसा नहीं कि बहुत चैलेंजेस है फैमिलीज में. पीपल आर सपोर्टिंग देयर वाइव्स, दे आर सपोर्टिंग देयर सिस्टर्स, मोटिवेटिंग देयर डॉटर इन लॉज. दे आर हैविंग पॉजिटिव फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव थिंकिंग दीज डेज, कि नहीं ये घर का काम कर रही है, चार दिन नहीं करेगी, हफ्ता भर अगर किसी इसका कोई इवेंट है, लेट हर गो, हम संभाल लेंगे घर, हम संभाल लेंगे बच्चों को. तो ये जो सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप हो रहा है फैमिली मेंबर्स से ही, मैं तो कहूंगी, और महिला खुद भी उस चीज को समझती है, एड्रेस करती है कि देखो मैं जा रही हूँ तो आप देख लोगे ना घर, आप बच्चों को संभाल लोगे ना, तो वहाँ वो उसकी जो एनर्जी है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है. और अभी आपको एग्जाम्पल दूँ, रिसोर्सेज, जो डिप्रेशन की भी हम बात कर रहे हैं कि आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं सर, छोटे शहरों में भी आज महिलाएं जो बहुत अचीव कर चुकी हैं, दे आर फेसिंग डिप्रेशन, एंजाइटी. और इसका कारण ये है कि एक रिसोर्स होती है. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगी यहाँ पर, जापान 1960s में, इट वॉज नो वेयर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड एंड जापान थॉट ऑफ मेकिंग स्टील. At that time, Japan was not having, I mean, it doesn't have resources of steel बनाने के लिए दो चीज़ें लगती हैं, iron ore और coal. Japan के पास दोनों चीज़ें नहीं थी, but उसको एक चीज़ पता थी कि कहाँ से ये दोनों रॉ मटीरियल्स उसको इम्पोर्ट करना है, एट लोअर कॉस्ट ऑफकोर्स,
एंड उसको ये भी पता था कि कहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चर्ड स्टील है उसको कहाँ एक्सपोर्ट करना है. ऑब्वियसली वेयर द डिमांड वॉज हाई. वॉट वॉज इट? इट वॉज लेट 1960s की स्टार्टिंग में इट स्टार्टेड डूइंग दैट. लेट एट द एंड ऑफ द डेकेड इट बिकेम टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील. तो वॉट हैपेंड? रिसोर्स मैनेजमेंट. उसने कुछ नहीं करा, उसने रिसोर्स मैनेजमेंट करा. तो हमारी रिसोर्स क्या है? हमारी रिसोर्स हम खुद हैं. क्या हम अपनी रिसोर्स को, जो फिजिकल है, मेंटल एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, क्या हम उसको पूरी तरह से यूज कर रहे हैं? नो, वी आर नॉट. एंड दैट्स वेयर जो जिन महिलाओं में बहुत पोटेंशियल होता है, जिनमें बहुत एनर्जी होती है, जिनमें बहुत टैलेंट्स होते हैं, जब वो दबा दिए जाते हैं या वो खुद दबा लेती है, वाई टू ब्लेम ऑल द टाइम फैमिली मेंबर्स? कई बार महिला सोचती है, नहीं नहीं इनको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं मम्मी जी ऐसा बोलेंगी. correct, वो खुद को सप्रेस करती हैं. हमें थोड़ा सा और बहुत जरूरी बात है कि प्रेशर तो बढ़ रहा है चारों तरफ, और प्रेशर हम खुद भी क्रिएट कर रहे हैं कि हमें वैलिडेशन चाहिए, उसके साथ स्ट्रेस आएगा. और इसको कम करने का साइंटिफिक तरीका है कि रेजिलियंस बढ़ाएं. पहले गांव में नीम के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आजकल नीम के पेड़ कम हो गए क्योंकि घर में रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई, जुमार में मिठास कम हो गई, ब्लड में शुगर बढ़ गया. राजीव जी, मैं इस पे एक कोटेशन ये है कि हाँ मैंने माना जिंदगी मुश्किलों का एक तूफान है, हाँ मैंने माना कि जिंदगी मुश्किलों का एक तूफान है, बट जो इससे मुस्कुराते हुए गुजर गया वही असली इंसान है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसलिए मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं मैसेज देना चाहूंगा स्पेशली महिलाओं को, जैसे बात राजीव कर रहे थे कि सहनशीलता में और सेपरेशन में डिफरेंस है. हम कई बार उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जब किसी सिचुएशन को हम सहते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील करते हैं, लेकिन जहाँ पे सप्रेस करते हैं ना, वहाँ पे नेगेटिव इमोशन फील होता है, वहाँ पे वो आदर्शता के भाव नहीं जागृत होते हैं. और जहाँ पे हम सहज सह लेते हैं ना, तो हमारी स्टोरी क्लोज हो जाती है, लेकिन जहाँ पे हम सप्रेस करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस चलते रहता है. तो मैं, मेरा महिलाओं से निवेदन है कि हम चेक करें, क्या हम सप्रेस कर रहे हैं कि सह रहे हैं. इसके साथ एक और चीज भी मुझे आ रही है कि एक माइंडसेट ये भी जुड़ा हुआ है कि जब हम बाहर अपना करियर एम्बिशियस होते हैं, करियर के लिए जाते हैं, तो एक रीजन ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एक तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है डेफिनेटली, प्लस हमारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है घर पे. जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारे डिसीजंस को सीरियसली लिया जाता है, फैमिली में उस चीज की रिस्पेक्ट की जाती है. तो मे बी दैट वन ऑफ द रीजन कुड बी दैट. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने खुद को इतना कमतर समझ लिया है कि वो अपने डिसीजन बताते हुए भी डरती हैं. मैं आई एम ए कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर ऑल्सो, एनजीओ में जब मैं लेडीज महिलाओं को पढ़ाती थी, तो सिर्फ इंग्लिश ना आना उनके लिए हीन भावना बन गया. किसी ने उनका मजाक उड़ा दिया, किसी ने उनको कुछ बोल दिया, कुछ व्यंग कह दिया, तो सिर्फ इतनी सी बात का डिप्रेशन. और जब उनको मैंने वो चीज़ सिखाई और उन्होंने इतने अच्छे से वो चीज़ सीख ली, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया. तो वो एक कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो विषम परिस्थितियों की वजह से, जैसे आपने बोला, वो उस हीन भावना से खुद भी ग्रसित हैं. वो उनको लगता ही नहीं मैं कोई डिसीजन दे सकती हूँ या मैं कुछ बोल सकती हूँ. तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ हर महिला से कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सीखिए उसको. मोबाइल चलाना नहीं आता है तो सीखिए, लैपटॉप चलाना नहीं आता है तो सीखिए. आप आगे तो बढ़िए, आप सीख बैन द एक इंग्लिश में उसकी कोटेशन भी है, इफ़ द स्टूडेंट इज देयर टीचर अपीयर्स. आपके अंदर वो सीखने का जज्बा होगा. जी, अब्दुल कलाम जी ने ये चीज बोली है, कंटिन्यूसली एक्वायरिंग नॉलेज. ये जब तक आप इस प्लेनेट पे हैं, जब तक आप इस धरती पे हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्चना जी, बिकॉज हमारी स्किल्स हमें नहीं मालूम है कि हमारी लाइफ में आगे क्या सिचुएशन आने वाली है. कि अभी सब अच्छा चल रहा है, आगे नहीं चला, तो कोई भी स्किल कहीं भी हमें काम आ सकता है. तो लाइफ टाइम जर्नी इज अ लर्निंग थिंग. बिल्कुल. और पर एक मैं बोलना चाहूंगी इसी, आपका कंटिन्यू करूंगी पॉइंट को, कि हम व्हेन देयर इज अ स्टूडेंट टीचर अपीयर्स, हम बोल रहे हैं ना कि महिलाएं हिचकिचाती हैं अपने सपनों को बताने में या ये बोलने में कि मुझे घर के अलावा मुझे ये भी करना है. उसका एक और कारण है कि हिचकिचाना तो है ही, पर कहीं ना कहीं वो अपना कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहती. करेक्ट. आई एम सॉरी टू ऑल द वुमेन, आई रिस्पेक्ट यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते हो. आप खुद प्रिजनर बन गए हो कि नहीं नहीं मुझे घर का ही ध्यान रखना, सब तो मेरा सिर्फ काम, मेरे बच्चे फोकस है. नहीं नहीं मैं अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दूंगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी. एग्जांपल दिया भी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने, बोला है कि वुमेन इन इंडिया दे आर लेजी. उन्होंने इसलिए बोला है कि शादी करनी है ऐसे व्यक्ति से जो अच्छा कमाता हो, क्योंकि ऐसे खुद इतने सक्षम बने कि आप अच्छा कमाएं. राइट. तो वो सक्षम, वो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल इसका दिया. हम
कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते और हम ब्लेम चालू कर देते हैं, नहीं इनको अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, अग्री, लेकिन आप छोटे छोटे स्टेप्स लो. हम नहीं बोल रहे कि आप रिबेलियन बन जाओ कि अरे घर का काम मेड रख लेंगे, ऐसा भी नहीं करना. अपने छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें. आपको जब लग रहा है, मैं अपना एग्जांपल इसलिए कोट करना चाहूंगी क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने माइंड को यूज करा. बिकॉज 5 साल का मेरा गैप हो गया क्योंकि बेटा हुआ, उसको कुछ मेडिकली उसको बहुत इलनेस होता था, तो कुछ ना कुछ कारण के कारण मैं अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई, अपना मेरा ब्रेक लग गया. पर जैसे ही मेरी सेकेंड चाइल्ड हुई, आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस. घर में ही मैंने परमिशन लिया मेरे फादर इन लॉ से कि डैडी आई वांट टू एक इंस्टीट्यूट में बनाना चाहती हूँ, जहाँ मैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी करूँ और एकेडमिक्स भी करूँ. बच्चों के लिए करना बेटा, करो, बिल्कुल करो. तुरंत मैंने स्टार्ट कर दिया. जब वो सोती थी तो उस ड्यूरेशन में 4 से 6 में वो क्लासेस लेती थी. एंड यू वोंट बिलीव, मैं इतनी थकी भी होती थी ना, तो आई बिकेम सो एनर्जेटिक. द मोमेंट आई यूज्ड टू एंटर माय क्लास, मेरे में एक अलग ही एनर्जी आ जाती थी. और जो ग्रूमिंग क्लासेस मैंने लेती थी बच्चों की, उससे कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि यस आई डू हैव समथिंग इन मी, आई कैन कंटिन्यू. मैंने वो मेरी सेकंड इनिंग आप बोल सकते हैं मेरे करियर की, मैंने वहां से स्टार्ट की 2012 से. और IIM में मेरा वही स्टार्टअप कि ऑल अंडर वन रूफ, क्योंकि मदर्स पिक करती हैं बच्चों को ट्यूशन से, फिर वो एक्टिविटी क्लास के लिए जाती हैं, तो वो 2 घंटे के लिए मदर्स ब्लॉक हो जाती थी. दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो आई वॉज एक्नॉलेज कि भाई IIM बैंगलोर ने मुझे वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम में, उसमें मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ. 6,000 एप्लीकेशन में 1 वॉज माई आइडिया. एंड हमारा IIM में मेरा बूट कैंप भी लगा 7 दिन. मुझे एक मेंटरशिप भी गई, हाउ टू स्केल अप योर बिजनेस एंड ऑल दैट. तो कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला. तो आप इफ यू आर नॉट अपडेटेड, यू आर आउटडेटेड. अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं, सून यू विल बिकम आउटडेटेड. तो मैंने लैपटॉप फ्रेंडली नहीं हुए इतनी, बट क्योंकि मुझे बिजनेस मॉडल और ये मुझे सब देना था जो MBA में पढ़ रखा था, वो एक्चुअल मुझे करने को मिला. कब? 15-20 साल बाद मुझे वो मौका मिला. एंड आई स्टार्टेड डूइंग. और आज मैं कुछ भी प्रेजेंटेशन हो, एनीथिंग आई कैन मेक इट. मतलब मुझे मेरी ग्रूमिंग हो गई दैट वे. सो मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, तो आज I am doing what I love and I enjoy doing my work. Right. औरतों को फ्रीडम शुरू से मिलती आई है. जैसे अगर आप बात करें रानी की, जो झांसी की रानी थी, उन्होंने घुड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा, या रजिया सुल्तान थी, तो इस तरीके वो फ्रीडम हमने वैदिक काल से फ्रीडम है. हमारे वैदिक काल से फ्रीडम है. और अगर देवताओं में देखेंगे तो मतलब देवताओं की अगर आप पूजा करते तो आप कहीं ना कहीं स्तुति करते हैं, दुर्गा की स्तुति करते हैं, आप काली की स्तुति करते हैं. तो आप हमने उस चीज को सप्रेस्ड कर दिया है. और महिलाएं भी कुछ हद तक इस चीज के लिए खुद भी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं, हम कर नहीं सकते. खुद का माइंडसेट उन्हें चेंज करने की जरूरत है. मैं अपने आप को, मैं दूसरे को तभी बदल सकती हूँ जब मैं खुद को बदल सकती हूँ. जैसे कहते भी ना, स्वतः परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन होता है. तो जब मैं खुद का माइंडसेट बदल सकती हूँ तो मैं लोगों का भी बदल सकती हूँ. बिल्कुल सही कहा अर्चना जी. इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हो रही है जी ये एपिसोड के इस भाग पर, जहाँ पे हमने रियलाइज किया है कि ये शिफ्ट जो माइंडसेट हुआ है वापस शिफ्ट हो सकता है. बड़ा पॉजिटिव है और इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड कैन बी डन वेरी ग्रेसफुली. क्रांति की जरूरत नहीं है, बहुत ग्रेसफुली किया जा सकता है समझ के साथ. कहीं ना कहीं हमें 2-3 चीजें ध्यान देना पड़ेगा. पहला, मेरा जो बिलीफ है उसको पहले चेक करना बहुत जरूरी है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्या ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, नंबर वन. नंबर टू, आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है क्वेश्चनिंग दैट इरेशनल बिलीफ, उसको क्वेश्चन करना. और क्वेश्चन करने के बाद कोई ना कोई एक असर्टिव या पॉजिटिव, जो कह सकते हैं असर्टिव बिलीफ, पॉजिटिव बिलीफ उसके बदले रिप्लेस करना. ये तो हुई थिंकिंग लेवल पे. लेकिन क्योंकि हमारी बिलीफ सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रही है, तो केवल अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा. इसके लिए अच्छा खासा पेशेंस भी चाहिए और इसके लिए सहनशीलता भी चाहिए. जैसे हम बात कर रहे थे कि लोग सहते नहीं हैं, सप्रेस कर लेते हैं, और हम दूसरों को अप्रिशिएशन के लिए वेट कर रहे हैं कि दूसरे हमें अप्रिशिएट करें. तो अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है तो अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं है. अगर मेरे अंदर सहनशीलता है तो सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है. तो अप्रिशिएशन के बदले कॉन्फिडेंस, सहनशीलता, ये गुण हमारे में तब आएंगे जब कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में मेडिटेशन या ध्यान को भी उतना ही महत्व देंगे. तो हम दोनों लेवल पर एफर्ट करें, कॉन्शियस लेवल पर आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन करें और उस बिलीफ को रिप्लेस करें, और सबकॉन्शियस लेवल के लिए मेडिटेशन से अपनी धैर्यता की, सहनशीलता की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर हम शक्ति बढ़ा देंगे तो किसी की, मैं समझता हूँ, अप्रिशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है. और जो हमारी बात चल रही थी माइंड शिफ्ट की, फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये जो ट्रांजिशन होगा ना, इसमें जर्नी होगा, बहुत ही स्मूथली हम इस माइंड सेट से मूव कर पाएंगे.
तो सबसे अच्छी बात आज के एपिसोड में मुझे आज एक अनुभव हुआ कि जो शिफ्ट हो रहा है वापस शिफ्ट हो सकता है, ये सारा मामला हमारे हाथ में है और बहुत ग्रेसफुली तरीके के साथ एलिगेंटली हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है थोड़ा सा अपने साथ समय बिताने का, अपने बिलीफ्स को, मान्यताओं को जांचने का कि हम जो सोच के कर रहे हैं क्या वो सही है। हमारे ऊपर थोप दिया गया था, क्या हमें इसे अपने बच्चों पर थोपना है? थोड़ा सा सोच लें, सिंपल सी बात है। अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम इतना क्यों दौड़ें? अगर हमारी जरूरत पूरी हो रही है इतने से, तो हम इतने के लिए बैलेंस करके भी चल सकते हैं ना, वो समय अपने परिवार को दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हर चीज सोचेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। और जब न्यू जनरेशन वुमेन की जब हम बात करते हैं तो हम उसको सिर्फ बाहरी सक्सेस पे ना तोलें, इससे बेहतर है कि हम अपने आप की पहले इनर क्वालिटीज को भी देखें और सबसे पहले अपने आप को एक संतुलन में लेकर आए। जब खुद को एक संतुलन में हम रखेंगे तो हम अपने परिवार को भी संतुलित रख पाएंगे और एक अच्छा माहौल भी क्रिएट कर पाएंगे जहाँ भी हम जाएंगे। तो इसी खूबसूरत विचार के साथ मुझे लगता है आज हमें इस एपिसोड को विराम देना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार। ओम शांति। मेरा नाम निधि उत्तम है, मैं फिल्म एंड टीवी एक्ट्रेस हूँ, मुंबई से हूँ और पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और उससे पहले की जो मेरी जर्नी है, जहाँ से मैंने शुरुआत की है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी। मैं एक छोटे शहर कानपुर से हूँ और एक किसानों के परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मेरे दादाजी किसान थे और उन्होंने एक प्रोग्रेसिव थॉट वाले हमेशा से रहे हैं। जैसे पहले के ज़माने में होता था कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ, ऐसी फैमिली से हूँ कि वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। उन्होंने हमें हर वो चीज़ सिखाई है जो लड़कों को आती है। मुझे बाइक चलानी आती थी, मुझे मार्शल आर्ट्स आती थी और मुझे स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत आगे तक पुश किया। और आपके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, अगर उसको आपने स्ट्रॉन्ग रखा है ना, तो आप कभी डिप्रेस नहीं होते हैं। नहीं तो न्यूज़ सुनने को आती है, ऐसे सुनने को मिलता है कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, वो कोई ना कोई गलत स्टेप कर लेते हैं। सो अगर आप मॉरली एंड स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको ऐसी कोई लाइक इस टाइप की किसी डिप्रेशन या इस टाइप की किसी भी चीज़ में आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं ढकेलेंगे। और आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी किस लिमिट तक आपको ले जाना है। आपको उतना ही एम्बिशन रखना है कि बिकॉज़ हर चीज़ का आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब डेस्टिन्ड होता है। आप हार्डवर्क करते हैं और अगर बाबा की कृपा होती है तो आप अपनी मेहनत करते जाइए और आपको वो फल देते हैं। और यहाँ पर आके मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है कि आप जो भी चीज़ आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए या बाबा से ये मांगो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे पापा हैं, फादर फिगर हैं, वो हमारे बिना कहे हमको सब कुछ देंगे। सो ये चीज़ यहाँ आके एक संतुष्टि जैसी जो फीलिंग है, अपने मन को स्थिर रखने की जो एक आर्ट है, वो ग्रेजुअली मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सीखी और आगे भी मुझे इसको बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत है। सो सारे ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। चाहे जितनी भी हैप्पी न्यूज़ हो, जितना भी एक्साइटमेंट हो या जितनी भी सैड न्यूज़ हो, अपने मन को स्थिर रखें और अपने दिमाग को थोड़ा बैलेंस रखें तो आपको ना ज़्यादा दुख होगा और ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, तो आप एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में आ पाएंगे। Oh।
ही मिलना, हंसना और हंसाना, यही तो जीना है, प्यार से ही जीना, प्यार से ही मिलना, हंसना और हंसाना, यही तो जीना।